नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आ जा रहे हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी लेके जो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है, स्पेशली उन किसान भाइयों के लिए जो मक्का की खेती करते हैं। दोस्तों स्पेशली आज हम बात करेंगे जो पानी का मक्का आती है P1899 के बारे में। दोस्तों आज जिस प्लॉट पर हम खड़े हुए हैं वो P1899 मक्के का प्लॉट है और उसके बारे में विस्तार से हमारे साथ डॉक्टर साहब हाजिर हैं जो डिस्ट्रिक्ट कासगंज में पानीर कंपनी तरफ से जो क्षेत्राधिकारी हैं वो आप लोगों को विस्तार में बताएंगे कि किस तरीके से मक्के को लगाना है, आपने कैसे बुआई करनी है, सही समय क्या है इसका, कितना बीज पड़ेगा, वो सारी बातें आपको विस्तार में बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बताइए प्लीज़ हमारे किसान भाइयों को कि कैसे रुपाई करें इसकी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है और मैं आपके कासगंज डिस्ट्रिक्ट का सावर ब्लॉक देखता हूँ। सावर ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं वो सारे गांव मेरी ही देखरेख में रहते हैं, चाहे वो मक्का की खेती हो, चाहे सरसों की खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे बाजरा की खेती हो। आपको पता है कोर्टवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड एग्रीकल्चर डिवीज़न 4 बीजों पर काम करती है। नंबर 1 मक्का, नंबर 2 धान, नंबर 3 बाजरा, नंबर 4 सरसों। तो अभी जो हमारा सीजन चल रहा है वो स्प्रिंग कॉर्न मक्का का चल रहा है, जिसका बोलते हैं गर्मी वाली मक्का। तो आपको अपनी जो खेत में जो बिजाई करना है वो बहुत ही हिसाब से करना है, जो बीज आपको चुनना है वो बहुत ही सही बीज चुनना है। तो मैं आज आपके लिए पाइनियर P1899 की विशेषताएं और उसके फायदे और गुण आपके लिए बताऊंगा। तो ज़रा किसान से सुने, वो किसान भाई को ज़रा अपना ध्यान से सुने मेरी वीडियो के लिए। जैसे पाइनियर P1899 जो मक्का है आपकी, वो 1 एकड़ में करीब 8 किलो बीज पड़ता है। 1 एकड़ में जो 8 किलो बीज पड़ता है उसके जो दानों की संख्या होती है वो 34,000 होती है, और जो दूसरी कंपनी की मक्का हैं उनका जो दाने की जो संख्या होती है, 34,000 पौधे जो मिलते हैं हमारे लिए, वो 9 किलो वजन में मिलते हैं। तो आपके लिए यहाँ बीज भी कम पड़ रहा है और आपको फ़ायदा भी होने वाला है। तो फ़ायदा मैं आपके लिए एक एक करके बताऊँगा क्या फ़ायदा होगा आपको। जैसे मक्का लगाते हैं आप, तो 1.5 किलो बीघा मक्का की बिजाई करें, लाइन से लाइन की दूरी 18 इंची रखें और पौधे से पौधे की 9 इंची रखें। उसमें जो है 5 किलो बीघा की पोटास जो है बहुत ही ज़रूरी है। पोटास से क्या होता है, जो दाने का कलर होता है, जो शाइनिंग होती है, वो हमारे खेत में तभी आती है। दूसरी चीज़, जो मक्का का बीज है आपके लिए सही बीज चुनना है। सही बीज कौन सा है? पाइनियर P1899। इसके लिए आप कहीं भी लगाएं, कैसे भी लगाएं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो है हर माह में बिजेता है, चाहे जनवरी, चाहे फरवरी में बोएं, चाहे मार्च में बोएं, और इसके लिए 10 अप्रैल तक आप लगा सकते हैं। कोई भी टेम्परेचर की कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आपके लिए रखना है, जो आप मक्का की बिजाई करते हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर को करें, तो आपकी जो गर्म हवा चलती हैं वो गर्म हवाएं जो है पास हो जाएंगी, तो आपको दाना बनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, पाइनियर P1899 की जो बल्ली होती है, जिसको आप चूँच बोलते हैं, वो बहुत ही पतली है। नंबर 2, इसका दाना है वो बड़ा और भारी है। जब बड़ा और भारी दाना होगा किसान भाइयों, तो आपको पता ही है कि पैदावार मिलने वाली है आपको। तीसरी चीज़ है, इसमें जो हमारी सेलिंग परसेंट होती है वो अन्य मक्काओं से ज़्यादा होती है। अगर आप बात करें 100 किलो भुट्टे अगर लेंगे आप, तो 83 किलो मक्का निकलेगी उसमें, वो 17 किलो छूच निकलेगी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है कि इस बार जो है पाइनियर P1899 को ही चुनें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, ज़्यादा मुनाफा पाएं। पाइनियर P1899 दमदार, वजनदार, शानदार। तो कभी भी लगाएं, कहीं भी लगाएं, हर हाल में बेमिसाल। तो आज हमारे साथ एक किसान यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा। उनने पिछली बार जो है मक्का की बिजाई की थी वो मार्च के लास्ट वीक में की थी, जो लगभग 25 मार्च की बात थी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, भैया से मिलवाता हूँ जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं जयप्रकाश और मैं किसान हूँ अपना, और मक्का पायनियर की सबसे ज़्यादा करता हूँ। और पिछले वर्ष मैंने मार्च के लास्ट वीक में, यानी 25 से 28 के मार्च के बीच में मैंने मक्का बोई, और उसमें बीज भी कम और कंपनियों के अपेक्षा बीज इसकी कम मात्रा में लगता है बुवाई में, और इसकी पैदावारी हुई थी मेरी 7 क्विंटल से 8 क्विंटल के बीच में, 7.5। आपके कासगंज डिस्ट्रिक्ट में
इस बार कंपनी ने जो है प्लांटर की भी सुविधा किसानों के लिए मौजूद कराई है। अगर आप प्लांटर से मक्का की बिजाई करते हैं तो बेहतर आपकी पैदावार और बढ़ने वाली है। प्लांटर से क्या है, आप जो है वो भी आपका सही जगह पे जाएगा, पोटास भी आपकी सही जगह पड़ेगी और दाना भी आपका सही जगह पड़ेगा, तो पैदावार आपकी 100% ज़्यादा होगी। पायनियर P1899 की एक विशेषता, एक खूबी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पायनियर P1899 के मक्का के लिए आप किसी भी मक्का के बराबर लगा दें तो 2 बोरी जो है प्रति बीघा ज़्यादा पैदावार देने वाला हाइब्रिड है पायनियर P1899। तो सभी किसान भाइयों से मेरा कहना है पायनियर P1899 को ही लगाएं। पायनियर P1899 दमदार, वजनदार, शानदार। पायनियर P1899 कोर्टवा कंपनी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसा हाईग्रेड हमारे बीच में कंपनी लेके आई है। और किसान भाइयों आपको पता होगा सबसे पहला हाइब्रिड जो मक्का दी थी वो सिर्फ और सिर्फ पायनियर बीज कंपनी ने ही दी थी, जिसका नाम है 31Y45। वो आज हमारे बीच में नहीं है तो उसी की जगह पायनियर P1899 जो हाइब्रिड आया है वो सेम 31Y45 के ही तरह है। तो इसको आप कभी भी बोएं, किसी भी माह में बोएं, जब आपका खेत खाली हो जाए तभी लगाना, पैदावार बहुत ही 100% होने वाली है। धन्यवाद किसान भाइयों। दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नई जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय